वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ विश्व में शारीरिक शिक्षा का इतिहास, जिसके अंतर्गत यूनान का इतिहास, रोम का इतिहास, जर्मनी का, डेनमार्क एंड स्वीडन का इतिहास के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिए और 2-3 बार इसको रिपीट कर लीजिए, जैसा कि इसका थ्योरी वाला वीडियो मैं बना दी हूँ। और उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल के हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। तो चलिए ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन है, इससे ही क्वेश्चन बार बार आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानेंगे यूनान के इतिहास के बारे में। यूनान के इतिहास में 4 काल आते हैं, होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल, उत्तर एथेंस काल। जैसा कि दोस्तों होमर काल में लोगों का मुख्य पेशा कृषि पशुपालन था, और होमर काल में एक महान कवि हुए थे जिनका नाम होमर था, जो नेत्रहीन थे, और उन्होंने 2 महाकाव्य लिखा था, इलियड तथा ओडेसी। और वहां का मुख्य शिक्षा का लक्ष्य था मैन ऑफ एक्शन तथा मैन ऑफ विजडम। उसी प्रकार हम आगे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है वह कौन सा देश जिसने शारीरिक शिक्षा तथा शिक्षा पर सर्वप्रथम निर्देशन किया। तो वह कौन सा देश जिसने शारीरिक शिक्षा तथा शिक्षा पर सर्वप्रथम निर्देशन दिया, तो वह देश था ग्रीस। कौन सा देश था? ग्रीस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरस्तु तथा प्लेटो किस देश से संबंध रखते थे। तो अरस्तु और प्लेटो ये दोनों ग्रीस यानी यूनान देश से संबंध रखते थे। जैसा कि दोस्तों 3 लोगों का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। जैसा कि सुकरात सबसे पहले हुए थे, उसके बाद उनके शिष्य हुए प्लेटो, फिर प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु, फिर अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलियड तथा ओडेसी कविताएं किसने लिखी थी। तो इलियड तथा ओडेसी कविताएं किसने लिखी थी दोस्तों? होमर ने, जो एक नेत्रहीन कवि थे, होमर काल में हुए थे। अब बात करते हैं स्पार्टा काल की। किसकी बात करते हैं? स्पार्टा काल की। दोस्तों स्पार्टा काल की बात करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जैसा कि स्पार्टा काल को क्लासिकल एज भी कहा जाता था, और इसी काल में नगर व राज्यों का उदय हुआ। यहाँ का मुख्य लक्ष्य था अच्छा फौज यानी अच्छा सैनिक तैयार करना। यहाँ पे क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली होती थी जिसको एगाग बोला जाता था, और यहाँ पे क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली के कर्ता धर्ता को पेडोनोमस बोला जाता था, और यहाँ के खेल मैदान को प्लेटेनिस्टास बोला जाता था। और दोस्तों यहाँ पे बच्चों व युवा की कार्य करने की जो आयु थी, 0 से 7 वर्ष तक वो माता के संरक्षण में रहता था, 7 से 12 वर्ष तक बैरिक में अनुशासन सीखता था, फिर 12 से 20 वर्ष तक कठोर सैनिक प्रशिक्षण सीखता था, फिर 20 से 30 वर्ष तक अस्त्र शस्त्र चलाना सीखता था, फिर 30 के बाद शादी करने की अनुमति होती थी, फिर 60 तक देश की सेवा करता था। और यहाँ पे जिम्नास्टिक नृत्य को विवासिस नृत्य बोला जाता था, और धार्मिक नृत्य को हारेमस और कैस आर्टिस बोला जाता था, और सैनिक नृत्य को पापीहिक नृत्य एंड यवन वंशजों को नगर सैनिक बोला जाता था। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे जो अस्वस्थ, अपंग और दुर्बल बच्चे होते थे उनको टाइगर्स पर्वत से फेंकवा दिया जाता था। और यहाँ पे 2 सभाएं हुआ करती थी, ब्यूल और एगोटा, जिसमें से ब्यूल जो होता था, जो 2 सभाएं होती थी राजा की सहायता के लिए होती थी, एंड जो ब्यूल होता था वो सामंतों की सभा होती थी, जो एगोटा होता था वह स्वतंत्र नागरिकों की सभा हुआ करती थी।
यहाँ भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था मैन ऑफ एक्शन, जबकि होमर कल का क्या था, मैन ऑफ एक्शन तथा मैन ऑफ विजडम, जबकि स्पार्टा कल का शिक्षा का उद्देश्य था मैन ऑफ एक्शन और मुख्य लक्ष्य था अच्छा सैनिक यानी फौज तैयार करना। यहाँ पे दोस्तों स्पार्टा काल में कुश्ती काफी प्रचलित था। यहाँ पे स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा के समान हुआ करती थी और 20 वर्ष की आयु तक स्त्रियां खुलेआम सारी प्रक्रिया का प्रदर्शन भी करती थी। यहाँ पे नायक पूजन की प्रथा अत्यंत प्रबल रूप से प्रचलित था और जो सिकंदर महान के सैन्य दल थे अधिकांशतः स्पार्टा के युवा सैनिक उनके सैनिक में थे। तो अब स्पार्टा काल से रिलेटेड अब क्वेश्चन देखेंगे, जैसा कि मैं इसके बारे में डिटेल कर दी, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि तानाशाह शासन ग्रीस के किस काल में था। तो तानाशाह शासन ग्रीस के स्पार्टा काल में था। किस काल में? स्पार्टा काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में नागरिकों को शहर का सैनिक कहा जाता था। क्वेश्चन आ गया दोस्तों नागरिकों को शहर का सैनिक किस काल में बोला जाता था, तो स्पार्टा काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पार्टा काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था। अभी मैं तुरंत बताई हूं स्पार्टा काल में शिक्षा का उद्देश्य था मैन ऑफ एक्शन। वही भी होमर काल में शिक्षा का उद्देश्य पूछेगा तो हो जाएगा मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पार्टा काल में कमजोर बच्चों को किस पहाड़ी से फेंकवा दिया जाता था दोस्तों। तो जो भी कमजोर बच्चे हुआ करता था उन सबको टाइगेट्स पर्वत के ऊपर से फेंकवा दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पार्टा काल के शिक्षा पद्धति को क्या कहा जाता था। तो स्पार्टा काल की शिक्षा पद्धति को एगोग बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पार्टा काल में सैनिकों की टुकड़ी को क्या कहा जाता था। तो स्पार्टा काल में सैनिकों की टुकड़ी को इरेन बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पार्टा काल में जिम्नास्टिक नृत्य को क्या कहा जाता था। तो स्पार्टा काल में जिम्नास्टिक नृत्य को बिबासिस बोला जाता था। नेक्स्ट है एगोग शिक्षा पद्धति के पर्यवेक्षक को क्या कहा जाता था। तो एगोग शिक्षा पद्धति के पर्यवेक्षक को पाइडोनोमस बोला जाता था। ठीक है, क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को तो एगोग बोला जाता था और क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली के जो कर्ता धर्ता था यानी कि पर्यवेक्षक था उसको पाइडोनोमस कहा जाता था। तो ये हमने जाना ईरान के स्पार्टा, जैसे यूनान काल को होमर काल, स्पार्टा काल पूर्व एथेंस काल उत्तर एथेंस काल में बांटा गया है। हमने होमर काल के बारे में जान लिया, स्पार्टा काल के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं पूर्व एथेंस काल। अब बात करते हैं पूर्व एथेंस काल के बारे में। तो पूर्व एथेंस काल के बारे में दोस्तों इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल कर देती हूं। जैसा कि पूर्व एथेंस काल जो नृत्य की तैयारी के लिए जिम्नास्टिक अभ्यास कराए जाते थे वहां पे उसको गेस्टिकुलेशन बोला जाता था। और यहाँ पे जो राज्य था प्रजातंत्रवादी था एंड यहाँ पे व्यायामशाला को पैलेस्ट्रा बोला जाता था, जहाँ पे कुश्ती और मुक्केबाजी और जिम्नास्टिक दिखाई जाती थी। और पैलेस्ट्रा के शिक्षक को पेरो ट्राइब कहा जाता था। और संगीत संबंधित विद्यालय को डिडॉस केलियम बोला जाता था। और बॉल का प्रयोग करने वाले शिक्षा देने वाले अध्यापक को स्फेरिस्टिस बोला जाता था। कुश्ती और मुक्केबाजी के मिश्रित खेल को पैनक्रेशन यहाँ पे बोला जाता था। भाला या जेवलिन का प्रयोग करने वाले अध्यापक को एकोनोटिस्टिस बोला जाता था। और धनुर्विद्या सिखाने वाले अध्यापक को टेक्सुटोज बोला जाता था। एंड अस्त्र शस्त्र सिखाने चलाने के सिखाने वाले अध्यापक को हेवलोमाइचोज बोला जाता था। दोस्तों यहाँ की यहाँ पे मुख्य क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे कीचड़ स्नान यानी मौड बात काफी प्रचलित था। यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रीय खेल समारोह का आयोजन किया जाता था जिसको अखिल यवन यानी पान हेलेनिक समारोह कहा जाता था। इसमें चार अखिल यवन पान हेलेनिक समारोह में चार खेल हुआ करता था, ओलंपिक, पीथियन, इस्थिमियन, निमियन।
ओलंपिक जो है 700 ईसा पूर्व में अगस्त मास में 5 दिनों तक खेला जाता था, और पिथियन जो है इसका मुख्य आकर्षण रथ और घुड़दौड़ था, और इस्थिमियन का नौकायन, सैन्य अभ्यास, संगीत व खेल था। जैसा कि ओलंपिक जो है प्रत्येक 4 वर्षों के बाद खेला जाता था, और पिथियन गेम ओलंपिक के आयोजन के तीसरे वर्ष में खेला जाता था, जो इस्थिमियन था वह ओलंपिक के बीच दूसरे वर्ष में खेला जाता था, जो नीमियन था 2 वर्षों के अंतराल पर खेला जाता था। और दोस्तों ओलंपिक जो है ओलंपस पर्वत पर आयोजन किया जाता था, और पिथियन डेल्फी पर्वत के मैदान पर, और इस्थिमियन कोरिंथ नामक स्थान पर, और नीमियन आर्गलीज नामक स्थान पर आयोजित किया जाता था। एंड दोस्तों जो ओलंपिक था वो जियस देवता यानी आकाश देवता के श्रद्धांजलि में देने के लिए किया जाता था। एंड पिथियन जो है अपोलो यानी सूर्य देवता की श्रद्धांजलि के लिए किया जाता था। एंड जो इस्थिमियन है वह समुद्र देवता यानी कि पेसिडियन की श्रद्धांजलि के लिए किया जाता था। एंड जो निमियन होता था वो जियस देवता के सम्मान में खेला जाता था। तो इसके बारे में मैंने डिटेल कर दिया। अब इसके बारे में ऑनलाइन क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, खेल कूद व कुश्ती के विद्यालय को क्या कहा जाता था? तो पूर्व एथेंस काल में खेल कूद व कुश्ती के विद्यालय को पैलेस्ट्रा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पैलेस्ट्रा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि पूर्व एथेंस काल में कुश्ती व कुश्ती के विद्यालय को क्या कहा जाता था? पैलेस्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत के विद्यालय को क्या कहा जाता था पूर्व एथेंस काल में? तो डिरास केलियम बोला जाता था। क्या बोला जाता था? डिरास केलियम बोला जाता था। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा को क्या कहा जाता था? शारीरिक शिक्षक को क्या बोला जाता था पूर्व एथेंस काल में? तो पेडोट्राइब बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पेडोट्राइब। नेक्स्ट है दोस्तों, बाल यानी गेम से संबंधित शिक्षक को क्या कहा जाता था? तो गेम से संबंधित शिक्षक को बोला जाता था स्फेरिस्टिस। क्या बोला जाता था? स्फेरिस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेवलिन से संबंधित शिक्षक को क्या कहा जाता था? तो जेवलिन से संबंधित शिक्षक को एकोनटिस्टिस बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इस काल में यानी कि जो आपका इस काल में पैनहेलिक खेल के अंदर कौन कौन से खेल कार्यक्रम शामिल थे? तो कौन कौन से खेल कार्यक्रम शामिल थे इसमें? इसमें शामिल थे ओलंपिक, पिथियन, इस्थिमियन, निमियन। इन चारों के बारे में मैंने बता दिया दोस्तों पूर्व एथेन काल में होता था। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस काल में ओलंपिक, इस्थिमियन, पिथियन, निमियन जैसे अखिल यवन यानी पैनहेलिक समारोह होता था? तो पूर्व एथेंस काल में। इसमें कौन कौन से गेम आते थे? तो ओलंपिक, पिथियन, इस्थिमियन, निमियन। नेक्स्ट है दोस्तों कि इस्थिमियन खेल कहाँ पर और किसके समक्ष होते थे? तो इस्थिमियन खेल कोरिंथ के मैदान पर, पोसिडियन यानी समुद्र देवता के समक्ष होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीमियन खेल कहाँ और किसके समक्ष होते थे? तो नीमियन खेल होते थे आर्गेलिज नामक स्थान पर और जियस देवता के समक्ष होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस काल यानी पूर्व एथेंस काल में जिम्नास्टिक एक्सरसाइज को क्या कहा जाता था? तो पूर्व एथेंस काल में जिम्नास्टिक एक्सरसाइज को गेस्टिकुलेशन बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल को शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के लिए स्वर्ण काल कहा जाता था? तो शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के लिए उत्तर एथेंस काल को स्वर्ण काल बोला जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य परंपरागत ज्ञान को न देखते हुए सही ज्ञान को देखा जाए। इस बात को किसने कहा था दोस्तों? सुकरात ने कहा था। किसने कहा था? सुकरात जी ने कहा था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य परंपरागत ज्ञान को न देखते हुए सही ज्ञान को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि शारीरिक तथा मानसिक विद्या में आपस में संबंध है? तो किसने कहा था कि शारीरिक तथा मानसिक विद्या में आपस में संबंध है? इस बात को कहा था प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको मेडिकल जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है? तो मेडिकल जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। किसको बोला जाता है? हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व एथेंस काल में खेलों व एथलेटिक समारोह को किस नाम से जाना जाता था? तो पूर्व एथेंस काल में जो खेलों व एथलेटिक समारोह होता था उसको जाना जाता था पैनहेलिक गेम के नाम से। किस नाम से? पैनहेलिक गेम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैनहेलिक गेम में कौन कौन से गेम समारोह में शामिल किए जाते हैं? तो पैनहेलिक गेम में दोस्तों ओलंपिक, इस्थिमियन, पिथियन तथा निमियन आदि शामिल होते हैं, जैसा इसके बारे में मैं पहले से बता चुकी हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिथियन खेल कहां और किसके समक्ष आयोजित होते थे? तो जो पिथियन खेल था वह डेल्फी पर्वत के मैदान पर और अपोलो यानी कि सूर्य देवता के सम्मान में किया जाता था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपस की रानी किसे कहा जाता था? तो ओलंपस की रानी हेरा को बोला जाता था। नेक्स्ट है आकाश देव किसे कहा जाता था? तो आकाश देव जीएस देवता को बोला जाता था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट है समुद्र देवता किसे कहा जाता था? तो समुद्र देवता बोला जाता था पेसिडोन को पूर्व एथेंस काल में। नेक्स्ट है सूर्य देव किसे कहा जाता था? तो सूर्य देव कहा जाता था अपोलो को। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी की रानी किसे कहा जाता था? तो पृथ्वी की रानी डेमीटर को बोला जाता था। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर किसके शिष्य थे? तो अलेक्जेंडर शिष्य थे अरस्तु को। जैसा कि दोस्तों अलेक्जेंडर अरस्तु के शिष्य थे, अलेक्जेंडर बोला जाता है सिकंदर को, ये ध्यान में रखिएगा। अरस्तु को एरिस्टोटल भी बोला जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि वेद व्यास के वेदों की तुलना यूनान के किस गुरु से की जाती है? तो होमर से, जो होमर काल में होमर कवि हुए थे, उन्होंने दो रचनाएं महाकाव्य लिखी है इलियड तथा ओडेसी। इनके रचनाओं की तुलना वेद व्यास के वेदों से की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमने दोस्तों यूनान के इतिहास के बारे में जान लिया, होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल,
उत्तर एथेंस का। तो अब हम बात करते हैं रोम काल के बारे में। तो यहां पे देखते हैं रोम काल के बारे में। क्वेश्चन है कि रोम काल के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो रोम काल के निवासियों को आर्टर पोस्ट बोला जाता था। नेक्स्ट है, रोम काल में कौन सा लेखक पाया गया? तो रोम काल में गेलन नामक लेखक पाया गया, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि व्यायाम और आहार का हमारे शरीर पे कैसा प्रभाव पड़ता है और पल्स की गणना के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोम काल में 18 साल के बाद के युवा को शारीरिक व मानसिक कौशल को तैयार किए जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता था? तो उसको बोला जाता था कैंपस मार्टियस। नेक्स्ट है, रोम काल के 264 बीसी में कौन सा खेल सबसे लोकप्रिय था? तो वहां पे सबसे लोकप्रिय था ब्रूटल ग्लेडिटोरियल कैंपस। नेक्स्ट है दोस्तों, रोम का उत्तराधिकार। रोम का उत्तराधिकार में है कि इस काल के व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? तो रोम उत्तराध रोम काल के जो व्यक्ति होते थे, इस काल के व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? तो उत्तराध रोम काल के जो व्यक्ति होते थे उनको हेलेनिक पीपल बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस काल के लोगों को हेलेनिक पीपल क्यों कहा जाता था? क्योंकि दोस्तों यहाँ के लोग लड़कियों और औरतों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया करते थे। नेक्स्ट है, इस काल में कौन सा मेडिकल स्टूडेंट था जिसने एक्सरसाइज तथा डाइट के बारे में लोगों को बताया? तो कौन सा स्टूडेंट था? उस स्टूडेंट का नाम था गेलन। ये दार्शनिक तथा चिकित्सा शास्त्री था का स्टूडेंट था। नेक्स्ट है दोस्तों कि इस काल में प्राइमरी लेवल के विद्यालय को क्या कहा जाता था? तो प्राइमरी लेवल के विद्यालय को स्कूल ऑफ लिटरेचर बोला जाता था। नेक्स्ट है, इस काल के सेकेंडरी लेवल के विद्यालय को क्या कहा जाता था? तो सेकेंडरी लेवल के विद्यालय को स्कूल ऑफ ग्रामेटिक्स बोला जाता था। नेक्स्ट है, इस काल में तलवार युद्ध कहाँ होता था? तो इस काल में तलवार युद्ध होता था एम्फीथिएटर्स में। जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि प्राइमरी लेवल के विद्यालय को स्कूल ऑफ लिटरेचर बोला जाता था और सेकेंडरी लेवल के विद्यालय को स्कूल ऑफ ग्रामेटिक्स बोला जाता था, उसी प्रकार हायर लेवल के विद्यालय को स्कूल ऑफ रेटर बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेजियम यानी थर्म फॉर बाथ कहाँ पाया जाता था? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्म फॉर बाथ पाया जाता था रोम में। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने जाना था कि पूर्व एथेंस काल में कीचड़ स्नान यानी कि मड बाथ काफी प्रसिद्ध था और रोम काल में थर्म फॉर बाथ प्रसिद्ध था, यानी उत्तराध रोम काल में। ये भी याद रखिएगा, कभी उत्तराध रोम काल लिख दे तो वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी रोम काल में किस युद्ध के देवता की पूजा की जाती थी? तो मार्स देवता की पूजा की जाती थी। तो दोस्तों हमने जाना इस वीडियो में यूनान के इतिहास में स्पार्टा, होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस, उत्तर एथेंस काल एंड रोम काल में उत्तराध रोम काल, पूर्वाध रोम काल के बारे में। एंड दूसरे वीडियो में हम ऑनलाइनर क्वेश्चन लेके आएंगे जर्मनी,
डेनमार्क, स्वीडन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन से क्वेश्चंस हर बार आते हैं। तो दोस्तों दूसरा वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। तो दोस्तों यदि आप फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज वीडियो तैयारी कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे वो थ्योरेटिकल पार्ट हो, एमसीक्यूज क्वेश्चन हो, वन लाइनर क्वेश्चन हो, सभी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।